থেকে সিমিল ব্যবস্থা করে কেবে আমাদের ভাই ছোটে ভাই শ্রীদেশ পাণ্ডে জি নে जो इंतजाम किया उन्होंने बाहर की लोगों का रखा है इसीलिए जिससे कि लोग बाहर रहे उनको दिक्कत ना हो वो भी बाहर रह करके मैं बहुत ज्यादा आपका आभार व्यक्त इस बात से करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और इस मौसम में इतनी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसमें खास तौर से प्रबुद्ध वर्ग में ब्राह्मण समाज के लोग भारत इकट्ठा हुए उनको मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग उस माहौल में यहाँ पर हैं, ऐसे समय पर आपके बीच में आए हैं जबकि समूचे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग भी हो, जो भी चाहे पढ़े लिखे अधिकारी हो, ऑफिसर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, हम लोग आप विद्यालय में हैं, प्रोफेसर हो, हमलावर हो रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं। जिस तरीके से चुन चुन करके ठीक उनकी निगाह में सबसे पहले टारगेट के सबसे पहले निशाने पर कौन लोग हैं, दलित समाज और दलित समाज के साथ में ब्राह्मण समाज और उन पर खास तौर से उठाना खा मैं कह रहा हूँ क्या गया था परसों अयोध्या गया था तो आपने किया था परसों अयोध्या जब हम गए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज के आप हैं आप अयोध्या क्यों आए अयोध्या क्यों आप आ रहे हैं आपको अयोध्या आने की क्या जरूरत है और आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है तो फिर अयोध्या क्यों आ रहे हमारी समझ में नहीं आया मैंने उस दिन भी कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ठेकेदार हो गई है अयोध्या की या भगवान श्री राम की भगवान श्री राम हम सबके हैं ब्राह्मण समाज का हर व्यक्ति और चूंकि मैं भी ब्राह्मण समाज से हूं मैं भी अपनी दिनचर्या शुरू करने के पहले स्नान करने के बाद ध्यान जब करने बैठते हैं तो अपने पूजा घर में बैठ करके भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं उनकी पूजा करते हैं भगवान श्री परशुराम की पूजा करते हैं भजन बलि जी की करते हैं जितने भी है भगवान के अवतार हैं उन सबकी पूजा करते हैं तब घर से बाहर निकलते हैं चाहे हमारे भोलेनाथ शंकर शिव जी हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो सभी देवी माता हो लेकिन ये प्रश्न करता है कि आप यहाँ पर क्यों आ गए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम तो भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं और भगवान श्री परशुराम विष्णु भगवान के अवतार और भगवान श्री परशुराम और बजरंग बली जी के लिए है कहा गया है सब जगह बिल्कुल सबके ये हमेशा ये आज भी है जहां भी है आज भी मौजूद है और भगवान श्री परशुराम अरे विष्णु के अवतार है और भगवान श्री राम स्वयं विष्णु है तो फिर हमको आप कैसे रोक लोगे हमको आप कैसे मना कर दोगे कि आप वहां पर मत जाओ क्योंकि हम ब्राह्मण समाज के और चूंकि आप कहते हैं कि नहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अयोध्या जो है वो गोरखपुर की मठ के कब्जे में आ गया और वहीं के लोग खाली आ सकते हैं वहीं के लोग पूजा करा सकते हैं वहीं पूजा कर सकते हैं मैं वहां के पुजारियों से मिला मैं वहां के संतों महात्माओं से भी मिला जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो वर्षों वर्षों से देखिए कई कई पुष्पों से वहां पर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं उन्होंने अपना ये दोहा बताया कहा कि अब ब्राह्मण समाज सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है अयोध्या में पूजा के लिए भी पाठ के लिए भी कोई कार्यक्रम भी होता है अगर तो उनको पीछे खड़ा कर दिया जाता है देखाने के लिए एक दो लोगों को खड़ा कर दिया था लेकिन अन्य लोगों को ला करके और दूसरी जगह से ला करके चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे गोरखपुर के हो वहां से ला करके उनको ये समर्थन कर दिया जब
भगवान श्री राम के दरबार में इस तरह से समाज का के साथ में हो रहा है, तो आप तो सोच सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उनकी सोच ही ऐसी है, उनकी सोच ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर दलित समाज उनको खड़कता रहता है, अघाता रहता है, इस बात से परेशान रहते हैं कि हम इनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, इनके पेड़ में बांध करके हम मारने का भी काम करते हैं खुलेआम, चाहे वो गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, लड़कियों का रेप हो जाता है, उसके बाद उनकी उस वक्त की उन लड़कियों के दाह संस्कार भी करने का दूसरी तरफ वो अपना पेट्रोल डाल रहे और आग लगा रहे। जहां इस तरह का माहौल हो तो फिर ब्राह्मण समाज जब उनका उतर ही उनके दिमाग में घटकता है कि ये भी उसको भी उतर ही वो अपना दुश्मन विरोधी मानते हैं, तो उसी प्रकार से उनके ऊपर भी प्रभाव करते हैं। किस तरीके से हत्याएं गाड़ी रोक करके गोली मार दी जाती है लखनऊ शहर में, सिर्फ ये पूछ करके कि तुम ब्राह्मण हो। एक तिवारी जो कि एक काम करता था एप्पल कंपनी था, उसको रोक के गोली मार दी। किस तरीके से छत में चढ़ करके और झांसी में चार चार लोगों ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। किस तरह से रायबरेली में पांच लोगों की हत्या करने के बाद ब्राह्मण समाज के उनकी झोपड़ी में भी आग लगा दी गई और उनके कबीना मंत्री कहते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, उसको सही भी ठहराते हैं। जिस तरीके से खुशी दुबे और इसका क्या दोष था, वो तो सिर्फ 24 घंटे पहले, दो दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 29 जून को शादी हुई, 30 तारीख को पहला दिन था, 1 तारीख को दूसरा दिन था, 2 तारीख की बात आ गई। 2 दिन के लिए वहां घर में थी, उस घर में ताली कानपुर की है, लेकिन उससे उस समय वो शहर की वहां पर शादी हो गई है और उसको आज 1 साल हो गया, अभी भी जेल में बंद कर रखा है। कहते हैं कि अधीक्षक और इस कदम नीचे उतर गए, गिर गए शासन वाले और प्रशासन में जो बैठे हुए हैं इस समय, वो क्या लोग कि एक फर्जी उसके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाई कि इसको 12 बंकी में हमने बंद कर रखा है, इस लड़की को जहाँ की 2 छोटे कमरों में 48 लड़कियां रहती है बंदी कर रहे, उनका बंदी कर रहे 2 कमरों में 48 लड़कियां और वहां पर वो धमकी दे रही है, कहती है कि 48 लड़कियों को धमकी देती है कि अगर बाहर निकल जाएंगे तो हम तुम लोगों को ठीक कर देंगे और इसी बिना में उसकी बेल खारिज कर दिया। मतलब वो लड़की अंदर बंद है 47 लड़कियों के साथ में, एक नाबालिग लड़की, और वो बाहर निकलेगी तो उन 47 लड़कियां जो अंदर बंद है उनको उठवा लेगी और इसलिए उसकी बेल खारिज करवाते हैं सरकारी वकील ये कहकर के सर्टिफिकेट बना जो घर में काम करती थी, घर का काम करती थी लेडी, उसको भी बंद कर रखा 7 साल से। उसकी 6 साल की बच्ची 3 साल का लड़का साल भर से उसके साथ में जेल में। अब बताइए कि अगर एक 6 साल की और 3 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ में साल भर से जेल बंद कर, इसलिए सिर्फ क्योंकि वो घर में काम करती, 40 से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के लोगों को बगैर किसी चार्ज के बगैर किसी एक अज्ञात नाम जब करके उठा ले गए और जेल में बंद कर रखा, क्या क्या प्रताड़ना दी गई, घरों से उठा लेके ले जाकर के शूट आउट कर दिया। एक बेटी पांडे जी, एक बेटी तो अपने अस्पताल में भर्ती थे, बीमारी का इलाज करा रहे थे, अस्पताल में पहुंच गए उठा ले गए और ले जाके शूट आउट कर दिया। अपने माता पिता से दूसरे व्यक्ति लखनऊ में बूढ़े माता पिता बीमार हो गए, कोविड में बीमार हो गए, उनके इलाज के लिए उनके घर में हुआ है, रात में मां लड़की रही उसके सामने उठा ले गए और ले जाके शूट कर दिया। इस तरीके से कितने किस्से बताए जाए, ब्राह्मण समाज चाहे वो किसी भी जगह पर काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से
जैसे दलित समाज के ऊपर हमला हुआ है उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर। और क्यों हो गए? क्योंकि इनको लगता है कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर बन गए हैं, और ये हमारे बंधुआ मजदूर इनको हम जो भी करेंगे, जितना भी प्रताड़ित करेंगे, ये तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। दलित समाज से इसलिए चलते हैं कि इतनी कोशिशें हमने कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो इकट्ठा होकर के एक जगह अपनी ताकत दिखाते हुए आज भी 23% जो है इकट्ठा होकर के उनको चुनौती देने का काम करते हैं, चाहे ये जितनी उनको प्रताड़ना करते हैं, जितना भी उनको परेशान करते हैं। जबकि उनको उनकी हर चाहे घर में जितनी भी खराब हो, पर वो इस मामले में इन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन वो टस से मस गई। ब्राह्मण समाज के ऊपर क्यों हाथ आज अपना साफ कर रहे हैं? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हुए, हम इकट्ठा हुए थे। आपको याद होगा 2007 में इकट्ठा हुए थे। 2007 में के पहले भी ब्राह्मण समाज को बिल्कुल हाशिए पर पहुंचा दिया था, क्योंकि वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा रहे थे। पता ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, हमारे आह्वान पे इकट्ठा हुआ। हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने जो हमसे कहा कि जाइए ब्राह्मण समाज के, हमने उनसे इजाजत मांगी, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए ब्राह्मण समाज में और उनको बताइए कि क्यों उनको इकट्ठा होना चाहिए। हम उनके बीच में कहने बताया कि आपको क्यों इकट्ठा होना चाहिए, आपके यहां भी आया क्या कोई ऐसी ऐसा जिला नहीं जहां नहीं गए थे, और हमने जाके बताया था कि आप अगर ये हालत आज हो गई है, आपको सबसे नीचे स्तर पर अगर माना जा रहा है और समझा जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं कोई और नहीं है। हम बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं, बुद्धिजीवी होने के बाद भी जब बुद्धि का सही इस्तेमाल करना होता है, अगर उस समय नहीं करते हैं, तो चाणक्य ने कहा है कि समाज में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच करके और हमेशा बंधुआ मजदूर बने रहो। इसलिए हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो वही होगा जैसे आज हमको बंधुआ मजदूर इन्होंने समझा होगा। हमने कहा था उस समय भी बात कही, आज फिर कह रहे हैं, अगर आप इकट्ठा नहीं होते, आप एक साथ नहीं होते, एकजुट नहीं होते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बार अपनी ताकत को एक जगह नहीं रखते हैं, तो आपका कभी भी ये लोग भला नहीं बनेंगे। और अभी तो शुरुआत इन्होंने की है, ये तो इन्होंने खाली अभी आपको ट्रेनर दिखाया है 4.5 सालों में। अगली बार अगर ये बैठ गए गद्दी में, तो आपको अपने अपने बिस्तर बांध के रखने पड़ेंगे। ये दलित समाज के लोगों को तो बिस्तर बनवा के बाहर नहीं भेज पाए, लेकिन आपको ये जरूर भिजवाने का काम करते हैं। आपको अपने आप में कोई ठिकाना कोई उत्तर प्रदेश के बाहर ढूंढने पर मजबूर कर देंगे। और इसीलिए जरूरी है कि आप 13% हो। 13% छोटी मोटी ताकत नहीं होती, बहुत बड़ी ताकत होती है 13%। और 13% बहुत बड़ी ताकत होने के बाद भी छोटी पड़ जाती है, इकट्ठा हो जाने के बाद भी छोटी पड़ जाती है। किस चीज के लिए? सत्ता में पहुंचने के लिए, सत्ता में अपनी अहमियत दिखाने के लिए, वहां पर अपनी कुर्सी पाने के लिए 13% छोटा पड़ जाता है। 13%, लेकिन अगर 23% से मिल जाए, जो 23% हमारे दलित समाज के भाई बहन है, जिनके साथ भाईचारा आप लोगों ने बनाया, वो अभी भी बना रहे हैं और आगे बनाते रहे और मजबूत करें, जो दलित समाज 23% है, जिसके साथ में पहले से ही पति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग ये सब जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके साथ में जुड़ गए, तो अकेले 23% और 13% 36% हो जाते हैं। 30% के ऊपर आप हर सीट पर तारीफ होते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और हमको एकत्रित होना होगा, अपना बंटवारा छोड़ना पड़ेगा, ये भूलना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, मुझे क्या मिलने वाला, व्यक्तिगत मेरा क्या होने वाला भला, अपने समाज के बारे में सोचिए कि समाज का क्या भला होगा। याद करिए 2007 में, ये छोड़ करके कि हमारा व्यक्तिगत क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समाज के हर लोग, पूरे समाज के लोग हमारे साथ एक साथ जुड़ गए थे और भाईचारा बना के दलित समाज के साथ में इकट्ठा हो गए थे। तो आपने जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई थी, तो पूर्ण बहुमत बनाने के बाद
इतना मान सम्मान और स्वाभिमान जो सोच भी नहीं सकते थे, जो बहन मायावती जी ने 9 जून 2005 को जब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में इकट्ठा हुए थे और 11,000 लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था, जिस समय उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा जो हमने दी थी हाथ में लेकर के नारा दिया था, जो हमारा नारा भी है, हम ही नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपकी तैयारी देख करके जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम अवश्य देंगे। और आपको हिस्सेदारी दी, 40 सीटों के चुनाव पहले लड़े थे, उन्होंने सीधे सीधे 85 सीटों पे ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने का काम कर दिया। और एक दो नहीं, पूरे 45 लोग जीत करके आए थे, जहां 3 लोग थे 3 से 45 पहुंच गए थे ब्राह्मण समाज के। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी भाईचारा बना करके, उन्होंने भी जहां हमारे रिजर्व सीटें थी दलित समाज के लोग चुनाव लड़ते, वहां ब्राह्मण समाज का कोई चुनाव नहीं होता। हम भी आज यहाँ पर जहां यहाँ पर कोई ब्राह्मण समाज का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई भी प्रकाश या प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव नहीं लड़ेगा, ये रिजर्व सीट जहां पर है वो दलित समाज। तो वहां पर भाईचारा बनाने के जब काम ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया हमारे आह्वान पे, और ये करके दिखाया कि खाली चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं, जिसको भी पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने सराहा। आज भी उसके वो सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे करके उसमें कई कई सब्जेक्ट्स में पढ़ाई हो रही है, पीएचडी तक हो रही है कि ये बीएसपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग करी थी और ये जो भाईचारा किया था इसका क्या कैसे किया गया, और जिसका इतना अच्छा निकला था, जो उसका नतीजा था कि जहां पर हमने उस समय भी ये आह्वान किया था कि अपने अपने क्षेत्र में जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो बढ़ चढ़ करके आंख बंद करके बहुजन समाज पार्टी से 23% जुड़ा हुआ, जो हमारा दलित समाज के भाई बहन है वो तो देखते भी नहीं है नाम खाली क्या है, उन्होंने जाके आपको वोट डालने का काम किया, आप वोट को डालिए तन मन धन से उनका समर्थन करिए, लेकिन इसके साथ में सामाजिक कार्य भी करिए, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं ब्राह्मण समाज ने जन्म लिया है वो इसी के लिए लिया है। और ये काम हम लोगों का होता है कि हम सामाजिक कार्य करें, सामाजिक समरसता फैलाए। आपके क्षेत्र में अगर कोई भी दलित समाज का भाई या बहन उसके साथ उत्पीड़न होता है या उसके यहाँ कोई अच्छा कार्य होता है, आप स्वयं जाइए और जाकर के उनके यहाँ जाकर के बैठ करके उनके साथ दिखावे वाला भोजन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अन्य पार्टियां खाना लेकर के गए अपने घर से और जब परेशान हो गए कि बीएसपी के भाईचारा से तो जाने लगे, कुछ लोग खिचड़ी लेकर के, कुछ लोग कुछ और लेकर के, और वहां हमारे लोगों ने खुल करके जा करके वहां पर बैठ के उनके साथ में हर तरह के शुभ कार्य में भी और दुखी कार्य में भी उनका साथ देने का काम किया और बढ़ चढ़ करके उनका योगदान भी किया, तब भाईचारा बना। और उसी का नतीजा था जब इसकी गूंज चुनाव जब आया तब हुई पूरे देश में और पूरे विश्व में हुई कि इस एक भाईचारे की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में 17 साल से जो चुनाव में जो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार ब्राह्मण समाज के योगदान से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की बनी और बहन मायावती जी को बना। बहन मायावती जी ने उसके बाद बढ़ चढ़ के जो उन्होंने कहा था मंच से उससे कहीं ज्यादा, चाहे मंत्री बनाना हो, एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, विधान परिषद का अध्यक्ष हो, अधिकारी हो, सब ऊपर चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे महाधिवक्ता हो, चाहे चीफ चाइनिंग काउंसिल हो, चाहे 2,500 वकील ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश में सरकारी वकील बनाने का कार्य हो, उन्होंने कहीं पर भी अपने हाथ नहीं खींचे। जो भी हमने अनुरोध किया उस अनुरोध को उन्होंने ब्राह्मण समाज की चीज थी तो स्वीकार करते हुए और उसको उन्होंने मोहर लगाने का काम किया। लेकिन अब क्या है, हम लोग ब्राह्मण समाज को बहकाने का काम किया इन लोगों ने, बहकाने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों के साथ में उत्पात हुआ, हम लोग सोच रहे थे कि देखिए नीरज मिश्रा का सर काट दिया गया कन्नौज में नीरज मिश्रा के लड़के का, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ बात कह दी थी उनके नेता के सामने खड़े होकर के हिम्मत कर दी तो उनका सर कटवा गया। न जाने कितने जो उनके मंत्री थे पांडे जी, प्रताप लड़के पड़ोस के आके
और उनको इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि पब्लिकली बेइज्जत किया कि वो अपने घर पे जब पहुंचे उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीजें ब्राह्मण समाज के लोग देख रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद कानून व्यवस्था की हो जाए, लेकिन भूल गए तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में कानून से क्या मतलब। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी तो खाली काम एक ही करते हैं कि दिल्ली वाले लोग होते हैं वो आते हैं, उत्तर प्रदेश वालों को भी पब्लिक के सामने ठोक देते हैं, मीडिया के सामने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये उनकी पीठ ठोक देते हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकने के अलावा कुछ नहीं। और बाकी क्या ठोकते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उसको रोको, उसकी जात पूछो और उसको ठोक दो। तो इस तरीके का जो सरकार हम लोगों ने बनवाई, जिसने कि कहा था कि हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनवा देंगे, भगवान राम ही जानते हैं कि कब बनेगा, हो सकता है वो भगवान राम की इच्छा ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए, तभी जो है न्यू कंट्री डाल पाए वहां पर मंदिर की। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों को उनके सेंटीमेंट्स को लेकर के उनसे उनका पहले वोट लेकर के सरकार बनाने का काम और उसके बाद उन्हीं को तंग करने का काम उन्हें को बर्बाद करना। आज कानून व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में, किसी से छिपाने की, पूरे हर दो घंटे में एक महिला का रेप होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, उसमें उत्तर प्रदेश में हर दो घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है। बच्चियों का हर बच्ची के साथ में उससे ज्यादा हर रोज हो रहा है। हत्याएं, लूटपाट, डकैती, वो सब तो इतनी रोज होती है, रोज होती है कि अब अखबार वाले भी थक गए कि उसको हम पहले पन्ने में कहां से न्यूज बनाए, वो आखिरी पन्ने में ले जाते हैं, क्योंकि ये तो हो गई तो आम चीज हो गई। लोगों की नौकरियां ले ली, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, हर साल 2 करोड़ नौकरी ले रहे हैं। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पहले रिजर्वेशन के नाम पे झगड़ा करवाते थे, अब क्या किया इन्होंने, अब तो इन्होंने नौकरियां ही खत्म कर दी, रिजर्वेशन तो खत्म ही कर दिया। जब सरकारी नौकरी ही नहीं है तो झगड़ा पाएगा, कहते हैं कि मैंने इसीलिए नौकरी देना तो छोड़ो, जो नौकरियां मौजूद थी उसको भी खत्म कर, लोगों को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार नौजवान से कहते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान किसी प्रबुद्ध वर्ग के नौजवान नौजवान लड़के पढ़ पढ़ के पीएचडी करके ये करके उनके माता पिता अपना पैसा सब दे करके उनको पढ़वाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं जाइए पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचिए, और ये आपको नौकरी दे दो रहे तो पकौड़ा बिछवा करके उनसे नौकरी का काम कराने का काम कर। पूरे आज केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह की सरकार है, लेकिन क्राइम रेट घटने की जगह डबल रेट हो गया। इसलिए भाइयों मेरा आपसे अनुरोध है कि हम आपके बीच में फिर से आए, हर जिले में जाएंगे, आप यहाँ सबसे ज्यादा समय इसलिए दे रहे, कल रात में भी हम लोग रुके थे यहाँ पर, एक कार्यक्रम कल भी हुआ था, आज दो कार्यक्रम यहाँ से दूसरा भी कार्यक्रम अभी है, अभी हम लोग यहाँ से कार्यक्रम डालने के पहले अभी निकल के जाएंगे। अनिल मिश्रा और सुरेंद्र मिश्रा जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए कि मजबूत ब्राह्मण थे और चुनाव में लड़ सकते थे तो उनको मार दिया गया, और उनको उनके साथ जो अन्याय पूरे परिवार के साथ हुआ आर्मी में थे उनमें से इस तरीके से सब पढ़े लिखे तो दो लोगों की हत्याएं कर दी गई, बस खाली लीपा पोती करने के लिए कुछ लोग वहां से आ गए और उसके बाद कोई न्याय नहीं। लेकिन हम वहां जरूर जाएंगे जहां से उनके यहां से होते हुए और जा करके फिर हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है कर्तपुर में, वहां पर जाएंगे और इसके बाद फिर इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद में कार्यक्रम है, फिर उसके बाद हमारा आगे कौशाम्बी में है अगले दिन, उसके अगले दिन हमारा प्रतापगढ़ में है, उसके अगले दिन सुल्तानपुर में है। इस तरीके से अनवरत अब अगले जब तक पूरा उत्तर प्रदेश हम नहीं घूम लेते हैं, और ब्राह्मण समाज के बीच में जैसे हम 2005 और 2007 के बीच में गए थे
उस तरीके से जब तक हम आपके बीच में आकर के और इनका असली चेहरा दोबारा आपको नहीं खोल के दिखाते हैं तब तक हम चलते रहेंगे और अपने और आपसे जो उम्मीद है कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी ताकत इकट्ठा करिए, मजबूती करिए, भाईचारा बनाइए और भाईचारा बना करके उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली लाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से ठीक करने के लिए बहन मायावती जी ने जितना विकास उत्तर प्रदेश का किया है आज तक कोई नहीं कर पाया है। लॉ एंड ऑर्डर दुनिया को मालूम है कि बहन मायावती जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। दोबारा लाने का काम करिए, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश को फिर से खुशहाली की तरफ आइए। ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान अपमान लौटाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसी के साथ अपनी बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।